नमस्कार, मैं हूं आरके प्रजापति और आप देख रहे हैं डीपी एजुकेशन अपडेट। आज हम बात करने वाले हैं राज्य सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेश द्वारा चलाए गए प्रमुख योजना एवं अभियान। ठीक है, यहां से हर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप अंत तक बने रहेंगे, इतने प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ लेंगे, याद कर रख लेंगे, तो हर परीक्षा, चाहे आप कोई किसी भी परीक्षा के लिए आप तैयार कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो यूपीएससी बीपीएससी लेवल तक क्यों न जा रहे हो, हम आपको फुल डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ से एक दो मार्क्स तो आपका फिक्स हो ही जाएगा। चलिए, ये तो मैप के साथ हम पढ़ाने वाले हैं। हाँ, तो हमारा फर्स्ट त्रिपुरा से हम स्टार्ट करते हैं। त्रिपुरा, ठीक है, अब त्रिपुरा सरकार द्वारा कौन कौन सा योजना चलाया जा रहा है इसको देखेंगे। तो त्रिपुरा का मुख्यमंत्री कौन है? बिप्लब कुमार देब, इसे भी आप ध्यान से याद रखेंगे। त्रिपुरा का मुख्यमंत्री का बात करेंगे, त्रिपुरा का मुख्यमंत्री कौन है? बिप्लब कुमार देब, इसको याद रखेंगे। इससे आपका मुख्यमंत्री और यहाँ चलाए गए योजना और विद मैप में इसका क्या लोकेशन है, ये तीनों को कवर करवाएंगे आपको। ठीक है, इसलिए हमारे साथ बने रहेंगे, इसको रट्टा नहीं मारना है। हमेशा आपको कोई ना कोई मतलब नया टॉपिक स्टार्ट करने के से पहले आपको मैप पे उसका लोकेशन क्या होता है, कहाँ है, उस मतलब होता है ना, कोई भी चीज़ को आप याद करते हैं उसका इमेज बनना चाहिए माइंड में। इमेज बनाने के लिए हम मैप को लिए हुए हैं। पहले मैप में आपको याद हो जाएगा कि किसका लोकेशन कहाँ पे है, तो आप ध्यान से उसको समझ पाएंगे। तो त्रिपुरा सरकार द्वारा चलाया गया योजना है मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना। ये त्रिपुरा का लोकेशन क्या देख रहे हैं हम, भारत में त्रिपुरा का लोकेशन देखिए यहाँ पे है, यानी ईस्ट डायरेक्शन में है इसका। ठीक है, त्रिपुरा का लोकेशन क्या है? ईस्ट में। ठीक है, तो यहाँ का योजना है एक मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना, यानी श्रमिकों के कल्याण हेतु यहाँ पे एक योजना चलाया जा रहा है, यानी मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना। दूसरा योजना है माई पैड माई राइट, माई पैड माई राइट योजना। ठीक है, ये दोनों योजना को आपको ध्यान से याद रखना है। चलिए अगला चलते हैं कर्नाटक की, कर्नाटक को देखते हैं। कर्नाटक का लोकेशन क्या है इंडियन मैप में? कर्नाटक का लोकेशन देखिए यहाँ पे, महाराष्ट्र से नीचे है और यहाँ पे केरला से ऊपर है इधर। ठीक है, महाराष्ट्र से नीचे, केरला से ऊपर इसका लोकेशन है। ठीक है, चलिए मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? वासवराव बोम्मई, वासवराज बोम्मई, ये बीजेपी पार्टी से आते हैं, वासवराज बोम्मई। इनके द्वारा चलाया गया योजना है महिला एट द रेट कार्यक्रम। कर्नाटक सरकार द्वारा कौन सा योजना चलाया गया है? महिला एट द रेट कार्यक्रम। ये बहुत ही वीवीआई है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से रखिएगा। एक ही योजना तो है यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न परीक्षा में पूछे भी गए हैं और पूछे जाएंगे, क्योंकि ये अपडेट हम लेके आए हुए हैं, अभी तक ये योजना चल रहा है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मजबूत हो महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हरियाणा सरकार द्वारा। हरियाणा सरकार यानी हरियाणा का लोकेशन क्या है मैप में, पहले इसको ध्यान देंगे। हरियाणा का लोकेशन देखिए, नॉर्थ साइड में आप जाते हैं, भारत के नॉर्थ साइड में अगर जाते हैं तो आपको दिल्ली, देखिए ये छोटा सा बिंदु यहाँ पे दिख रहा होगा खाली जगह, इस जगह पे, ठीक है, तो यहाँ पे दिल्ली है। दिल्ली के जस्ट सटा हुआ, इधर पंजाब से सटा हुआ, इधर राजस्थान से सटा हुआ, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ, ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं ये हरियाणा का लोकेशन है। ये लोकेशन किसका है? हरियाणा का लोकेशन है। ठीक है, तो हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है यहाँ पे देखते हैं? मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? मनोहर लाल खट्टर। इनके द्वारा जो चलाया गया योजना है, फर्स्ट योजना है मातृशक्ति उद्यमिता योजना। फर्स्ट योजना क्या है? मातृशक्ति उद्यमिता योजना। दूसरा शक्ति है खेल नर्सरी। दूसरा योजना क्या है? खेल नर्सरी। तीसरा योजना क्या है? वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना, यानी हर ब्लॉक में एक प्रोडक्ट उत्पादित किया जाएगा, इसके लिए ये योजना चला रहे हैं सरकार। ठीक है, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना। उसके बाद मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। मुख्यमंत्री आपको बागवानी लगाने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा एक योजना चलाया जा रहा है, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, यानी इसको इस पर आपको बीमा करवा दिया जाएगा। ठीक है, और पाँचवा योजना हमारा प्राणवायु देवता पेंशन योजना। पाँचवा योजना क्या है? प्राणवायु देवता पेंशन योजना। ठीक है, ये पेंशन योजना है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला है सिक्किम। सिक्किम सरकार द्वारा चलाया गया कुछ योजना है, तो सिक्किम का लोकेशन देखते हैं हमारा, भारत में सिक्किम का लोकेशन क्या है। ये देखिए, बिहार से जस्ट ऊपर जब जाते हैं ना, तो बिहार
से लगा हुआ सटा हुआ तो नहीं है, ये पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। और ऊपर में देखिए तिब्बत के पास, ये जो नेपाल है इससे, इसका नेपाल और इधर भूटान से बॉर्डर शेयर करता है, थोड़ा सा चाइना से भी यानी यहाँ पे शेयर करता है, ठीक है। ये हमारा जो लोकेशन रेड कलर में देख रहे हैं यही हमारा सिक्किम। और सिक्किम का मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम का मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग तमांग। और यहाँ पे जो चल रहे योजना है ये आमा योजना है और बहिनी योजना, आमा बहिनी योजना, आमा बहिनी योजना सिक्किम सरकार द्वारा चलाया गया है। अगला देखते हैं हम छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कितने योजना चल रहे हैं इसको ध्यान से आप याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ का लोकेशन क्या हमारा? देखिए यहाँ पे ये है छत्तीसगढ़, यानी ओडिशा, इधर तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश से थोड़ा सा ये इसका बॉर्डर शेयर लग करता है, ठीक है। यही है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। इनके द्वारा चलाया गया योजना है कौशल्या मातृत्व योजना। इसके द्वारा क्या, कौन सा योजना चलाया जा रहा है? कौशल्या मातृत्व योजना, कौशल्या मातृत्व योजना, ठीक है। दूसरा योजना है श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर। अब देखिए यहाँ पे एक मेडिकल स्टोर के लिए यानी दवा जो है कम कीमतों पे मिल पाए, इसके लिए यहाँ पे एक श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर नाम का एक योजना चलाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ता यहाँ का जो होता है उत्पादक, उत्पादक किया जाता है। संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना, तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना, ये भी चल रहा है यहाँ पे। पत्रकार कल्याण कोष योजना, पत्रकार कल्याण कोष योजना, ठीक है। और कौन सा योजना चल रहा है? बाजरा मिशन, ठीक है। और है महतारी दुलार योजना, महतारी दुलार योजना। आगे हम चलते हैं लद्दाख को देखते हैं। लद्दाख का लोकेशन देखिए हमारे यहाँ पे, जब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा दिया गया, यहाँ इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में दो भागों में बांट दिया गया है। तो लद्दाख का लोकेशन देखते हैं, जो नॉर्थ साइड में है वो लद्दाख है और जो इसी का साउथ साइड में है वो जम्मू कश्मीर है। लद्दाख में दो जिला है, लेह और लद्दाख, ठीक है। तो लद्दाख सरकार यहाँ पे जो मुख्यमंत्री तो नहीं होते हैं, यहाँ राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं? राज्यपाल। इन्हीं को यहाँ का पदभार दिया जाता है और इन्हीं से के द्वारा यहाँ प्रशासन को चलाया जाता है। तो राज्यपाल का नाम क्या है? राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख के राज्यपाल का क्या नाम है? राधा कृष्ण माथुर। इनके द्वारा चलाया गया योजना है कुस्योम योजना। कौन सा योजना है? कुस्योम योजना। दूसरा योजना है यंग टैब योजना, यंग टैब योजना। और तीसरा योजना है सौर लिफ्ट सिंचाई योजना, सौर लिफ्ट सिंचाई योजना, ठीक है। इसको आप ध्यान से याद रखिएगा। आगे चलते हैं तमिलनाडु को देखते हैं। तमिलनाडु का लोकेशन देखेंगे मैप में तो ये कहाँ पे है? एकदम निचले हिस्सा में है, यानी भारत के एकदम साउथ साउथ में आपको तमिलनाडु दिखेगा। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है एम के स्टालिन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? एम के स्टालिन। इनके द्वारा जो चलाया गया योजना है, फर्स्ट योजना है मिंदम मेजपाई योजना, मिंदम मेजपाई योजना। ये मुख्य योजना यहाँ का, ठीक है। योजना तो बहुत सारे चलते हैं लेकिन ये अभी फिलहाल ट्रेंडिंग में चल रहे थे इसलिए हम इसको लेके आए हैं अपडेट, कि कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है इसलिए इसको आप ध्यान से याद रखेंगे। दूसरा योजना है डोर स्टेप हेल्थ केयर, यानी डोर टू डोर हेल्थ के लिए आपके पास जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस योजना को क्या बोलेंगे हम? डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना। चलिए आगे चलते हैं, झारखंड सरकार के बारे में जानते हैं। सबसे पहले झारखंड को विद मैप में हम देखते हैं इसका लोकेशन है क्या। बिहार से नीचे देखेंगे यानी साउथ में देखेंगे, बिहार के साउथ में, और यहाँ पे ओडिशा के नॉर्थ में, ठीक है। ओडिशा के ऊपर और बिहार से नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको झारखंड दिखेगा, पश्चिम बंगाल से वेस्ट साइड में, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ से इस साइड में देखेंगे, यहाँ पे मिल जाएगा आपको झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम है हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? हेमंत सोरेन। इनके द्वारा चलाया गया योजना है सहाय योजना, सहाय योजना। और दूसरा है शामर अभियान। दो योजना है, एक सहाय योजना है, दूसरा शामर अभियान है, ठीक है। इसको आप ध्यान से याद रखेंगे। आगे हम देखेंगे उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड का लोकेशन क्या है मैप में? उत्तराखंड का लोकेशन है यहाँ पे, देखिए उत्तर प्रदेश से जस्ट ऊपर उत्तराखंड है। उत्तर प्रदेश से जस्ट नॉर्थ में क्या है? उत्तराखंड है, और उधर हिमाचल प्रदेश के नीचे, ठीक है।
उत्तर प्रदेश के ऊपर हिमाचल प्रदेश के नीचे दिख रहा होगा आपको। इधर तिब्बत से बॉर्डर शेयर करता है उत्तराखंड। यहाँ के मुख्यमंत्री तो अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन चल रहा है यहाँ पे। यहाँ के द्वारा चलाया गया योजना है दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना, सेल्फी विद टेम्पल अभियान। सेल्फी विद टेम्पल अभियान ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखिए अभी बीपीएससी में भी पूछा गया, हाल फिलहाल में बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है सेल्फी विद टेम्पल अभियान। तीसरा है वात्सल्य योजना। तीसरा क्या है? वात्सल्य योजना। चौथा है मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना। चौथा क्या है? मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण मिशन योजना। चलिए आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश के बारे में जानेंगे। यहाँ तो बहुत सारी योजना चल रहा है इसलिए हम लिस्ट वाइज इसको देखेंगे। मध्य प्रदेश का पहले लोकेशन देखेंगे इंडिया मैप में कहाँ पे है, ठीक है। देखिए महाराष्ट्र के ऊपर, इधर गुजरात के ईस्ट में, गुजरात के ईस्ट में, फिर राजस्थान से इसका बॉर्डर शेयर कर रहा है, उत्तर प्रदेश से इसका बॉर्डर शेयर किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ से इसका बॉर्डर शेयर करता है, इन सभी राज्यों से इनका बॉर्डर शेयर करता है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। इनके द्वारा जो चलाया गया योजना है वो पहले है स्किल सेल मिशन। स्किल सेल मिशन यानी किसी चीज़ को आप सेल करने का जो स्किल होता है उसके लिए एक योजना चलाया जा रहा है, यानी स्किल सेल मिशन है ये, ठीक है। दूसरा है राशन आपके ग्राम योजना। राशन आपके ग्राम योजना। तीसरा हम देखेंगे रोजगार सेतु योजना। रोजगार सेतु योजना। चौथा है PANKH, इसको हम ऐसे हम पढ़ेंगे तो पंख पढ़ेंगे, पंख अभियान चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। फिर है देवारण्य योजना। देवारण्य योजना भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है, ठीक है। उसके बाद अंकुर योजना। अंकुर योजना भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है। सातवां हमारा निःशुल्क स्वस्थ आहार योजना, यानी फ्री में आपको एकदम तंदुरुस्त भोजन मिलेगा, पौष्टिक आहार मिलेगा आपको, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसका योजना चलाया जा रहा है, ठीक है। आठवां है कोरोना वॉरियर्स योजना। आठवां में क्या है? कोरोना वॉरियर्स योजना। फिर देखते हैं रोको टोको अभियान। रोको टोको अभियान। फिर नेक्स्ट देखेंगे युवा शक्ति कोरोना मुक्ति। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया योजना है। उसके बाद देखते हैं मुख्यमंत्री COVID-19 बाल कल्याण मिशन या योजना, ठीक है। बाल कल्याण योजना चलाया जा रहा है, इसको आप ध्यान से याद रखेंगे, बहुत सारी योजना है यहाँ से तो एक दो परीक्षाओं में पूछे ही जाएंगे, ठीक है। और ख़ासकर अगर ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड आप हैं तो आपको पूरा का पूरा याद रखना ही पड़ेगा। चलिए हम आगे देखेंगे केरल को। केरल का लोकेशन क्या, देखिए जस्ट तमिलनाडु के साउथ में आपको केरल, वेस्ट में आपको केरल दिख रहा होगा, ठीक है, और ये कर्नाटक के साउथ में, ये है केरल का लोकेशन। यानी केरल के मुख्यमंत्री अभी कौन है? पिनराई विजयन है। केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। हम हमेशा आपको वर्तमान को ही लेके चलेंगे, लेटेस्ट जो डेटा है वो आपके पास रखेंगे हम, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। योजना है, फर्स्ट योजना हमारा स्त्री परियोजना, स्त्री परियोजना। दूसरा योजना हम यहाँ पे चल रहा है केरल सरकार द्वारा चला जा रहा है योद्धा बने अभियान। योद्धा बने अभियान आपको यहाँ से याद रखने का एक तरीका हम बता देते हैं। देखिए जितने भी आर्मी इंडियन आर्मी देश मतलब जो बॉर्डर पे रहते हैं आर्मी से रिलेटेड, सबसे ज़्यादा आपको पंजाब बिहार उत्तर प्रदेश ये यहाँ से आपको दिखाई पड़ेंगे, इधर से बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। इसलिए यहाँ के सरकार द्वारा योजना चलाया, इसको हम याद करने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ के सरकार द्वारा योजना चलाया जा रहा होगा योद्धा बने अभियान। यहाँ योद्धा बनने के लिए यहाँ पे प्रेरित कर रहे हैं यहाँ के लोगों को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का लोकेशन कहाँ देखेंगे हम यहाँ पे? बिहार के पूरब में देखेंगे, झारखंड के पूरब में दिखाई पड़ेगा आपको, सिक्किम के साउथ में, फिर यहाँ असम से इसका बॉर्डर शेयर होता है, ठीक है। और अभी देखेंगे मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी यानी ममता बनर्जी, ठीक है। और यहाँ योजना जो चल रहा है द्वारे राशन द्वारे सरकार, द्वारे राशन द्वारे सरकार योजना चल रहा है। उसके बाद माँ योजना चल रहा है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में कौन कौन योजना चल रहा है? द्वारे राशन द्वारे सरकार और माँ योजना, ठीक है। चलिए आगे है दिल्ली सरकार, ये यूनियन टेरिटरी है। इसका लोकेशन देखें, एक छोटा सा दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे, एकदम बिंदा सा लाल टाइप का, ठीक है। यही है दिल्ली, ठीक है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी कौन है? अरविंद केजरीवाल, ठीक है। यहाँ के योजना चल रहा है यहाँ पे श्रमिक मित्र योजना, श्रमिक मित्र योजना।
यहाँ पे यहाँ के श्रमिकों के लिए योजना चलाया जा रहा है, श्रमिक मित्र योजना। दूसरा है देश के मेंटर कार्यक्रम, देश के मेंटर कार्यक्रम। तीसरा है जहाँ वोट वहाँ टीकाकरण अभियान, यहाँ पे एक अभियान चल रहा है यानी कोविड से लेके रिलेटेड, जहाँ वोट वहाँ टीका अभियान। ठीक है, चलिए आगे लेके चलते हैं। पंजाब, पंजाब का लोकेशन आप देखेंगे यहाँ पे है। ठीक है, पंजाब का लोकेशन कहाँ पे है आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये राजस्थान से इसका बॉर्डर शेयर होता है, हरियाणा से बॉर्डर शेयर होता है, ये हिमाचल प्रदेश से होता है, थोड़ा सा जम्मू कश्मीर से भी होता है। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, भगवंत मान। अभी इधर इधर ही चुनाव हुआ यहाँ पे और नए नए मुख्यमंत्री बने हैं भगवंत मान, इनके द्वारा योजना चलाया जा रहा है। तो मेरा घर मेरा नाम, मेरा घर मेरे नाम योजना चल रहा है। दूसरा योजना है मेरे मेरा काम मेरा मान योजना, मेरा काम मेरा मान। ठीक है, उसके बाद योजना है हर घर पानी हर घर सफाई मिशन, ये पंजाब सरकार द्वारा ही चलाया जा रहा है, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन। ठीक है, चलिए जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का लोकेशन हम देखेंगे, ये है जम्मू कश्मीर। ठीक है, इंडियन मैप में लद्दाख के जस्ट हम साउथ में जाते हैं। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर आपको दिखेगा और जम्मू कश्मीर में अभी देखिए ये तो यूनियन टेरिटरी है, यहाँ तो मुख्यमंत्री होते नहीं हैं अब, तो यहाँ पे जो पदभार है, यहाँ का जो प्रशासनिक जो पावर दिया गया है, ये राज्यपाल के पास होता है। यहाँ पे राज्यपाल कौन है अभी, मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर का राज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा। यहाँ पे योजना जो चल रहे हैं कारखंड योजना है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर कितने योजना चल रहे हैं, कारखंड योजना चल रहे हैं, साथ कार्यक्रम चल रहे हैं, मिशन यूथ पहल चल रहा है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला हमारा ओडिशा, ये है लोकेशन में ओडिशा। ठीक है, ओडिशा में जितने भी योजना चल रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। अभी सबसे पहले देखते हैं ओडिशा का मुख्यमंत्री अभी है कौन, वर्तमान का बात किया जा रहा है, नवीन पटनायक। ओडिशा का मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। और यहाँ जो योजना चल रहा है, फर्स्ट योजना है ड्राई राशन योजना, यानी सूखा अनाज के लिए यहाँ पे एक योजना चलाया जा रहा है, ड्राई राशन योजना। दूसरा है आशीर्वाद योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आशीर्वाद योजना ये ओडिशा सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा है गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना, गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना, ये भी ओडिशा सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। चलिए इसको ध्यान से आप याद रखेंगे। फिर गुजरात सरकार कहाँ के द्वारा कितनी योजना चल रहा है वो हम देखेंगे, गुजरात का लोकेशन कहाँ है। देखिए ये पैर की तरह आपको दिख रहा होगा, भारत में जो पैर की तरह दिखता है वही है गुजरात। ठीक है, यानी इसका बॉर्डर ये महाराष्ट्र से लगता है, मध्य प्रदेश से लगता है और राजस्थान से लगता है। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री अभी भूपेंद्र भाई पटेल, यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। यहाँ पे योजना चल रहा है वतन प्रेम योजना, देखिए वतन से प्रेम करना तो गुजरात से, ठीक है, यहाँ के दो योजना चल रहा है वतन प्रेम योजना। उसके बाद है करुणा अभियान, वतन प्रेम योजना के बाद कौन सा योजना चल रहा है, करुणा अभियान चल रहा है। तीसरा है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, यानी बाल को यानी बच्चों को सेवा देने के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना चलाया जा रहा है। और एक देखिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है, ठीक है, और यहाँ भी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना चल रहा है, ये आपको याद रखना है, गुजरात में भी। ठीक है, उसके है उसके बाद है ग्रो ग्रीन योजना, गो ग्रीन योजना। ठीक है, चलिए अगला है गोवा, गोवा एक छोटू सुराज दिख रहा होगा यहाँ पे लोकेशन में आपको। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, प्रमोद सावंत। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है अभी, प्रमोद सावंत है। ठीक है, यहाँ जो योजना चल रहा है फर्स्ट योजना है मुक्त, देखिए यहाँ पे मुफ्त पानी, पानी के लिए बचाओ पानी योजना, देखिए इसको ध्यान से पढ़िए आप, मुफ्त पानी, मुफ्त पानी, पानी के लिए बचाओ पानी योजना। ठीक है, ये देखिए पानी के लिए जो स्पेशली बहुत बार पानी पानी वर्ड यूज कर रहा है, ये याद रखना है गोवा के द्वारा ही किया जा रहा है, ये तो बहुत सारे पानी के किनारे ही है इसलिए बार बार पानी पानी का यूज किया जा रहा है, और ऐसे भी मुफ्त पानी मिल रहा है तो इसका दुरुपयोग ना करें, इसको बचाएं। ठीक है, पानी के लिए बचाओ पानी योजना, भविष्य में तो पानी चाहिए चाहिए, इसके लिए पानी बचाओ। ठीक है, ये गोवा सरकार द्वारा चलाया गया योजना है। आगे चलते हैं अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का आपको लोकेशन दिख रहा होगा, ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, असम से इसका बॉर्डर लगता है, यहाँ पे इधर चाइना से बॉर्डर लगता है और इधर म्यांमार से बॉर्डर लगता है। ठीक है, चलिए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, पेमा खांडू है, पेमा खांडू। ठीक है, यहाँ योजना चल रहा है
आत्मनिर्भर कृषि योजना, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा योजना चल रहा है, आत्मनिर्भर कृषि योजना, इसको याद रखेंगे आप। फिर है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का ये लोकेशन है, महाराष्ट्र का ये लोकेशन है। देखिए महाराष्ट्र गोवा से बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ पे कर्नाटक से बॉर्डर शेयर करता है, गुजरात से करता है, मध्य प्रदेश से करता है, ये छत्तीसगढ़ से चेक करता है, तेलंगाना से करता है, ये है महाराष्ट्र। ये फिल्म सिटी जो कह रहा है, यानी फिल्म सिटी के नाम से जाना जाता है, ये महाराष्ट्र है। ठीक है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं यहाँ के। इसके द्वारा जो चलाया गया योजना है मिशन वात्सल्य योजना, मिशन वात्सल्य योजना। फिर है नो मास्क नो क्लोराइड अभियान, नो मास्क नो क्लोराइड अभियान, ये महाराष्ट्र का द्वारा चलाया जा रहा है। मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना, मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना भी महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, इसको आप याद रखेंगे। फिर है राजस्थान, अब देखिए राजस्थान ये बहुत क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य दिख रहा होगा आपको, राजस्थान, ये है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का मुख्यमंत्री अभी कौन है, अशोक गहलोत। ठीक है, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है अभी, अशोक गहलोत। देखिए यहाँ का एरिया तो बहुत बड़ा है, ये तो ये मने मन क्या बोलते हैं खुश हो रहा है, यानी अशोक गहलोत। ठीक है, और यहाँ पे खनिजों का तो भंडार है राजस्थान में। इसका जो लोकेशन पड़ता है, इसका बॉर्डर देखिए गुजरात से शेयर कर रहा है, इधर मध्य प्रदेश से बॉर्डर इसका शेयर होता है, थोड़ा उत्तर प्रदेश से होता है, ये उत्तर प्रदेश के बाद देखिए हरियाणा से होता है। ठीक है, चलिए इसके द्वारा चलाया गया योजना है घर घर औषधि योजना। देखिए यहाँ पे एक बंजर भूमि है राजस्थान में, क्या है बंजर भूमि है, मरुस्थल है, तो मरुस्थल में ज़्यादातर औषधीय पौधा पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे एक योजना चलाया जा रहा है घर घर औषधि योजना। इसे आप याद रख सकते हैं, औषधि औषधीय पौधा कहाँ पाया जाता है, मरुस्थल में, मरुस्थल कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, घर घर औषधि योजना। दूसरा है निर्यातक बनो मिशन। अब देखिए कोई भी चीज़ का हम निर्यात करते हैं उससे क्या होता है, जीडीपी में फायदा होता है, और आयात करते हैं तो जीडीपी में घाटा होता है, यानी किसी चीज़ को आप खरीद रहे बाहर से तो हमारा पैसा बाहर जा रहा है, अगर किसी चीज़ को हम बेचेंगे तो वहाँ से इनकम होगा, इनकम ज़्यादा होना अच्छा होता है, मतलब होता है व्यय होना अच्छा होता है, तो इनकम होना अच्छा होता है। तो इनके द्वारा एक योजना चला जा रहा है निर्यातक बनो, निर्यातक मतलब यहाँ से उत्पादित करो और बाहर यानी फॉरेन कंट्री में बेचो, यानी निर्यातक बनो मिशन। तीसरा है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। ठीक है, चौथा है मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, ये भी राजस्थान सरकार द्वारा ही चलाया जा रहा है। अब है अपना बिहार, ठीक है, बिहार का लोकेशन तो आपको दिख रहा होगा, जो बिहार के हैं तो अच्छे से बिहार का लोकेशन को जानते होंगे, और जो बाहर से हैं वो ध्यान से देखें, ये उत्तर प्रदेश इसका बॉर्डर लगता है, और देखिए नीचे में इसका राज्य ये झारखंड है, इधर पूरब में इसका पश्चिम बंगाल है, और उत्तर में नेपाल से इसका बॉर्डर शेयर करता है ये बिहार। और बिहार के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार, वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार। इसके द्वारा चलाया गया योजना है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, यानी बिहार में जितने भी युवा हैं या ST SC हैं इनके द्वारा, मतलब इनके लिए एक योजना चला जा रहा है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। इसमें क्या हो, नया उत्पाद खोलने के लिए आपको 10 लाख का लोन दिया जाएगा। ठीक है, 10 लाख का लोन दिया जा रहा है, लेकिन 5 लाख रुपया, 5 लाख जो है आपको बिहार सरकार के द्वारा आपको सब्सिडी दिया जाएगा, यानी इसे आप घुमा के नहीं देंगे, यानी 5-10 लाख लोन लिए लेकिन आपको जमा करना है 5 लाख ही, बस यही है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। बाल सहायता योजना, दूसरा योजना क्या है, बाल सहायता योजना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। असम, असम का लोकेशन कहाँ दिख रहा होगा आपको, तो दिख रहा होगा असम का लोकेशन। ठीक है, ये है असम, असम मेघालय से बॉर्डर शेयर करता है, इधर मेघालय है, इधर अरुणाचल प्रदेश है, इधर मणिपुर नागालैंड है, इधर त्रिपुरा है। ठीक है, ये सब शब्द इसका बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, ऊपर में देखिए ये भूटान से भी बॉर्डर लगता है इसका। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा, असम के मुख्यमंत्री कौन है अभी, हेमंत विश्व शर्मा। इनके द्वारा जो योजना चलाया जा रहा है मुख्यमंत्री शिशु सेवा प्रचोनी योजना, मुख्यमंत्री शिशु सेवा प्रचोनी योजना,
पचोनी बोलते हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री शिशु सेवा पचोनी योजना, और दूसरा योजना इनके द्वारा प्रज्ञान भारती एवं भाषा गौरव योजना, प्रज्ञान भारती एवं भाषा गौरव योजना असम सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। आगे देखते हैं आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया योजना, आंध्र प्रदेश का लोकेशन क्या है, ये देखिए इधर से बंगाल की खाड़ी है और इधर से तमिलनाडु का बॉर्डर शेयर होता है, इधर से ये कर्नाटक का बॉर्डर है, इधर तेलंगाना है और ये छत्तीसगढ़ है, इधर ओडिशा है, ठीक है, यही है लंबा सा आंध्र प्रदेश, यानी समुद्री तट की जो सीमा रेखा है, ये समुद्र तट से जो सीमा रेखा लगता है इसमें दूसरा नंबर पे ही आता है, यानी सबसे ज़्यादा समुद्र से जो तट रेखा जो लगता है वो गुजरात का लगता है, दूसरा सबसे ज़्यादा जो तट रेखा लगता है ये आंध्र प्रदेश का ही लगता है, ठीक है। मुख्यमंत्री यहाँ पे कौन है, जगन मोहन रेड्डी, इनके द्वारा चलाया गया योजना है जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना, जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना, जगन मोहन रेड्डी से ही याद रहेगा आपको, जगन्नाथ, जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री हैं और जगन्नाथ विद्या दिवेन योजना है, और दूसरा है SALT साल्ट, साल्ट इसलिए याद रहेगा क्योंकि ये समुद्र के किनारे है और यहाँ पे नमक उत्पादित किया जाता है, यानी साल्ट कार्यक्रम भी कहाँ पे चल रहा है, आंध्र प्रदेश में चल रहा है, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में, हिमाचल प्रदेश का लोकेशन आपको देखे आप तो देख ही लिए होंगे, ये रेड कलर में जो दिख रहा है आपको, इधर उत्तराखंड से इसका बॉर्डर शेयर होता है, इधर लद्दाख से होता है, इधर जम्मू कश्मीर से होता है, इधर पंजाब से होता है, थोड़ा सा ये हरियाणा से होता है, ठीक है, ये है हमारा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, जयराम ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, जयराम ठाकुर, इनके द्वारा चलाया गया योजना है आयुष घर द्वार कार्यक्रम, ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है यहाँ से, आयुष घर द्वार कार्यक्रम, ठीक है। तो आगे चलते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे, उत्तर प्रदेश का लोकेशन आपको ये बहुत बड़ा सा दिख रहा होगा, ये जनसंख्या के दृष्टि से भारत में एक नंबर पे आता है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, ठीक है, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जो तो हमेशा ट्रेंडिंग में रहते हैं, ठीक है, और इनके द्वारा चलाया गया योजना है एक जिला एक उत्पाद योजना, आपको पहले बताए थे एक प्रखंड एक उत्पाद, यहाँ पे एक जिला एक उत्पाद योजना चल रहा है, ये कौन सा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चला जा रहा है। फिर है मातृभूमि योजना, दूसरा क्या है मातृभूमि योजना, तीसरा है किसान कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन ये भी उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाया जा रहा है। चौथा है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, अभी हम एक गुजरात में पढ़े थे मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। फिर है मिशन शक्ति, मिशन शक्ति भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। और छठा है हमारा अनूठी उपहार योजना, अनूठी उपहार योजना चलाया जा रहा है अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। आज हम टोटल सभी राज्यों को देख लिए, ठीक है, इन सभी को आप बार बार रिवाइज करते रहेंगे जिससे कि आपको हर परीक्षा में जितने भी प्रश्न आते हैं यहाँ से, खासकर योजना से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आएंगे वो आपका नहीं छूटेगा। साथ साथ हम इसका मुख्यमंत्री को भी आपको बताते चले गए, मुख्यमंत्री का नाम, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।